नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। इस वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं पहाड़ी और मैदानी काश्तकारों के लिए भी बुरी खबर सामने आई है। भारी बारिश को लेकर किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो वहीं मैदान में जहां धान और अन्य फसलें लगातार बरसात से संकट में है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की फसलों पर भी इस बरसात ने बुरा प्रभाव डाला है। भारी बारिश के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और राज्य मार्ग बंद है। जिनमें भूस्खलन हुआ है, जेसीबी से सड़कों को खुलवाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही गौला नदी में 4843 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जबकि कोसी बैराज से 6939 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गाँव में डस्टबिन नहीं है, वो वाला जो आ रहा है उधर वाला।